और सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी पर प्रस्ताव पास हो चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है और अभी हम आपको बता दें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग खत्म हुई है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है राहुल गांधी के नाम का। लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव को रखा गया जिसे अब मंजूरी मिल गई है। शाम को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है और उसमें भी इस नाम को रखा जाएगा। यानी कि यह हम मान के चले कि विपक्ष के नेता के तौर पर हम राहुल गांधी को अब देखेंगे। बिल्कुल बनना चाहिए, वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं मुद्दे, उनकी जानकारी रहता है। यह हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया एयरलाइंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा हुई? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह हो। इस मीटिंग की और खास बातें क्या रही? कुछ राज्यों में हमने जनता को धन्यवाद दिया है, आगे चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से जुटे रहने का संकल्प लिया। राहुल जी जिम्मेदारी लेंगे विपक्ष के नेता के तौर? हमारा अनुरोध है, हमें स्वीकार करना चाहिए उन्हें। कल से शपथ ग्रहण समारोह है पर ये सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। आम जनता की आवाज, आम लोगों की जो आवाज है वो महंगाई, बेरोजगारी जो आज पूरी तरीके से परेशान है, नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज को उठाए जिसपे राहुल गांधी जी को सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर इसके अलावा और कुछ चर्चा हुई कई राज्यों में सीटें कम?